हेलो एवरीवन, मैं हूं मैथ्यूस गामित। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 1, एक्सप्लोरिंग सिंबल्स। एक्टिविटी 1, रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन कलकत्ता इन 1861। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था। ही इज द पोएट Who brought India's national anthem? और वो ऐसा पोएट था जिसने इंडिया का नेशनल एंथम लिखा था। एंड ही won द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1930। और उसने नोबल प्राइज़ भी जीता था लिटरेचर में, जो 1930 में उनको मिला था। टैगोर स्टार्टेड टू राइट पोएट्री व्हेन ही वाज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने जब वो 8 साल का था तब उन्होंने पोएट्री लिखने की शुरुआत की थी। एंड ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम व्हेन ही वाज ओनली 16। और उनकी जो फर्स्ट पोएट्री थी वो कब पब्लिश हुई थी, जब वो 16 ईयर्स का था। दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत सारे बच्चे उनके कंफ्यूजन होता है दो बातों में। जैसे कि 8 ईयर्स ओल्ड था तब उन्होंने क्या किया था, पोइट्री लिखने की स्टार्ट की थी, और पहली जो पोएम है वो 16 ईयर्स का था वो तब उनकी पब्लिश 16 ईयर्स का था तब हुई थी, और लिखने की शुरुआत कब की थी, जब वो 8 ईयर्स का था। सो रिमेंबर दिस। फॉर दिस टैगोर did not use his real name, he used a pen name, Bhanu Sima। और वो जो पोइट्री लिखता था, वो पोइट्री के पीछे वो एक रियल नेम नहीं यूज़ करता था, उनका पेन नेम यूज़ करता था। पेन नेम यानी जो निक नेम जैसे बोल सकते हैं, वो उनका नेम यूज़ करता था। जो कौन सा नाम था, भानु सीमा, उनका मीनिंग होता है सन लायन। भानु सीमा एक बेंगोली वर्ड है, तो उनका मीनिंग क्या होता है, सन लायन। इफ़ यू पब्लिश अ स्टोरी और अ पोएम, व्हाट पेन नेम वुड यू चूज? यू कैन मेक योर नेम एज सिली और एज सीरियस एज यू विश। अगर आप पोइट्री लिखते हैं, पोएम लिखते हैं या स्टोरी लिखते हैं, तो आप कौन सा पेन नेम यूज़ करना चाहेंगे? आप उनको सीरियस मोड पे भी आप पसंद कर सकते हैं, या कोई फनी भी चूज़ कर सकते हैं, बराबर। सो आगे ये क्लास एक्टिविटीज़ है, ये हम ज़्यादा ध्यान में नहीं लेंगे, जो क्लास एक्टिविटी है हम छोड़ के जा रहे हैं, बराबर। जो भी पोएम या कोई पैराग्राफ है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये उनकी पोएम है रविंद्रनाथ टैगोर की। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, कहाँ जो हमारा मन है वो विदाउट फियर है। फियर मतलब डरावना। तो हमारा जो मन है वो कहाँ पे नहीं डरता, कहाँ विदाउट फियर रहता है, कहाँ हमें डर नहीं होता, वो लिखा है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, कहाँ जो हमारा मन है वो विदाउट फियर है, डर के बिना है, जहाँ हम अपना जो हेड है वो ऐसे तान के खड़े रहे, सीना तान के खड़े रहते हैं उनको बोला है, जिसे हम हेड जो है वो ऐसे सीधा करके खड़े रहें, कहाँ जो वो डर नहीं है। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, कहाँ जो ज्ञान है वो फ्री है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, कहाँ जो ये दुनिया है जो छोटे छोटे हिस्सों में बांटी नहीं है, जहाँ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है। मतलब पोएट क्या कहना चाहता है कि कहाँ वर्ल्ड का कौन सी जगह पे जहाँ घर भी छोटे छोटे टुकड़े में हिस्से में बांटे नहीं गए हैं, जो घरेलू होता है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, कहाँ जो फैमिली से वो ऐसे टूटी नहीं है, ऐसा वो बोल रहा है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द
ट्रूथ, कहाँ जो वर्ड्स है वो बाहर नहीं निकाल आते, जहाँ जो झूठ है वो छुपा नहीं होता, कहाँ से वो अंदर तक है वहाँ से भी वो बाहर निकल आता है, ऐसा वो बोल रहा है। वेयर द टायरलेस ड्रीविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, कहाँ ऐसा है जहाँ विदाउट क्या है, टायरलेस मतलब विदाउट रेस्ट एंड स्लीप, कहाँ ऐसा हम जो इतनी रेस्ट हो सकती है जहाँ हमारे जो आर्म्स है वो हम स्ट्रेच कर सकते हैं टूवर्ड्स परफेक्शन, कहाँ जो हम हमारे हाथ जो है वो ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं जैसे हम मरोड़ते हैं अपने शरीर को, कुछ हमको टायरलेस फील होता है तब हम क्या करते हैं, बाहें फैलाते हैं। तो वो परफेक्शन को बारे में लिखा है कि कब हम वहाँ से इतना अच्छे से फील कर सकते हैं जहाँ जहाँ कंटाला नहीं है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इन टू द ड्रियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, कहाँ जो स्ट्रीम है क्लियर स्ट्रीम है वो उनका जो रास्ता है वो भूल नहीं गई है, ऐसा लिखा है। द ड्रियरी डेजर्ट, ड्रियरी मतलब मीनिंग में देखते हैं, ड्रियरी क्या मतलब क्या होता है, टू हार्ड लेबर या चेयरलेस, चेयरलेस तो कहाँ जो स्ट्रीम है वो उनका वेक हो गया है, चेयरलेस है डेजर्ट में, डेजर्ट की जो सैंड है ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट ये बहुत सारे नए वर्ड्स है, ये पोएम जो है वर्ड्स के लिए दी गई है। तो यहाँ लिखा है कि कहाँ जो डेड है, डेड हैबिट्स है, डेजर्ट की सैंड है वो साइलेंट हो गई है, चीयरलेस हो गई है, जो स्ट्रीम है वो भी कहाँ खो गया है अपना रास्ता से वो दिखा रहे हैं। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी इन टू एवर वाइडिंग थॉट एंड एक्शन, कहाँ जो माइंड है उनको आगे क्या किया है, एवर विडनिंग थॉट एंड एक्शन, जो माइंड है वो कहाँ पे आगे ले गया है जहाँ हमारे विचार है और एक्शन है वो विडनिंग है, ऐसा खो गया है वो लिखा है। इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, ये पोएम में क्या है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है गॉड को कि ये ऐसा कहाँ है, परफेक्शन है, चेयरलेस है, टायरलेस है, कहाँ है ये सब बोल रहा है। इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, लास्ट लाइन में वो अच्छी सी लाइन लिखी है कि जो हेवन है वहाँ कुछ नहीं होता बराबर, वहाँ दुख नहीं होता, वहाँ गम नहीं होता, वहाँ सिर्फ क्या होता है, वहाँ हैप्पीनेस ही होता है। तो लिखा है कि इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, जो मेरी कंट्री है, मेरा देश है, मेरा मुल्क है, उनको हेवन की फ्रीडम जैसे अवेक करने दो, मतलब उसको जागने दो, मतलब उनको अवेयरनेस कराओ, ऐसे वो बोल रहा है। अवेक मतलब अभी उठ जाने दो ऐसा। तो ये एक पोएम है जो मैंने ट्राई किया है उनको एक्सप्लेन करने का, ये वैसे इजी नहीं है पोएम एक्सप्लेन करना, कुछ इजी बात नहीं होती है, लेकिन मैंने ट्राई किया है जितना भी मुझे समझ में आ रहा है। ये पोएम न्यू वर्ड्स के लिए दी गई है जैसे ड्रियरी है, चेयरलेस है, टायरलेस है, स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस, ये सब फ्रैगमेंट्स, डोमेस्टिक है, ये सब अच्छे अच्छे वर्ड जो उसने यूज़ किए हैं उनके लिए आपको ये दी गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाते हैं। यहाँ सब एक्टिविटी फाइव में वो लिखा है कि एक्सप्लोरिंग सिंबल जो है वो सिंबल क्या होता है, इमेज होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो सब यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि टैगोर ने कौन कौन से नेम प्री रिप्रेजेंट किया है सिंबल एज अ सिंबल,
कोई भी अपना सिंबल देता है। वो एक्सप्लोर सिंबल इसलिए लिखा है टाइटल की जो सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं एग्जैक्टली उनके बारे में दिया है। तो अभी और भी जो सिंबल्स के यूज़ किए हैं और कुछ स्टोरी जैसी बनाई हुई हम देखने जा रहे हैं। ये है फॉक्स एंड द रैबिट, द फॉक्स एंड द रैबिट। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हमने कभी पहले सुनी भी होगी। तो उसमें रैबिट और फॉक्स को एक सिंबलाइज किया गया है यहाँ पे। क्लेवरनेस किसके में है और कौन फुलिश है क्या है वो ये स्टोरी से द्वारा हमें समझ में आएगा। देर वॉज वंस अ वेरी क्लेवर फॉक्स हु लव टू ब्रेग ऑफ हिज क्लेवरनेस। जो एक फॉक्स था वो क्या करता था, उनको बहुत पसंद था उनकी जो बहादुरी है, उनकी जो क्लेवरनेस है, उनको दिखाने की, अपने आप को अच्छा साबित करने का उनको बहुत पसंद था। ही लव्ड, ऐसा लिखा है, हु लव्ड टू ब्रेग ऑफ हिज क्लेवरनेस। वन डे ही सेड टू द रैबिट, आई एम सो क्लेवर ही सेड दैट आई नो 100 वेज टू एस्केप एनिमीज। एक दिन वो रैबिट से मिलता है और रैबिट को बोलता है कि आई एम सो क्लेवर, मैं बहुत होशियार हूँ, ऐसा वो बोल रहा है। और भी बोल रहा है, आई नो 100 वेज टू एस्केप एनिमीज, और मैं 100 वेज मतलब 100 तरीके जानता हूँ एनिमी से कैसे एस्केप करना है, उनको वहाँ से कैसे भाग निकलना है, 100 तरीके जानता हूँ मैं, ऐसा बोल रहा है। रैबिट बोल रहा है, वाओ, आई हैव ओनली वन बट इट वर्क्स वेल। देखो लाइन को रीड करो, अच्छी लिखी है। आई हैव ओनली वन बट इट वर्क्स वेल, मेरे पास एक ही तरीका है लेकिन वो काम करता है। फॉक्स ने ऐसा नहीं बोला, उनको खाली क्या है, पता है कि 100 वेज कहाँ कैसे भाग निकलना है वो उनको पता है, लेकिन वो काम करते हैं या नहीं, लेकिन उनको एक ही तरीके से वो दबा रहा है, एक ही तरीके से उनको नीचा दिखा रहा है रैबिट, एक ही। आई हैव ओनली वन बट इट वर्क्स वेल, मेरे पास एक ही तरीका है लेकिन वो 100% श्योर से बता रहा है कि वो काम करता है, अच्छा काम करता है। द फॉक्स सेड, यू शुड लिसन टू मी, आई विल टीच यू मैनी मैनी मोर, यू शुड नो मैनी वेज टू एस्केप लाइक आई डू। फॉक्स फिर से उनको बोलता है कि तुम्हें मुझे सुनना चाहिए और मैं आपको बहुत तरीके सिखाऊंगा। आई विल टीच यू मैनी मैनी मोर मतलब मैं आपको बहुत सारे तरीके में सिखाऊंगा। यू शुड नो मैनी वेज टू एस्केप लाइक आई डू, और तुम्हें भी जानना चाहिए बहुत सारे वे जैसे मुझे पता है, ऐसे वो उनको बोल रहा है। जस्ट एट दैट मोमेंट द फॉक्स एंड द रैबिट हर्ड द क्राई ऑफ अ पैक ऑफ हंटर्स कमिंग टूवर्ड्स देम। तो थोड़ी ही देर में क्या हुआ, वो ऐसे बातें कर रहे, वही थोड़ी देर में क्या हो रहा है कि फॉक्स एंड रैबिट जो पैक ऑफ हंटर्स मतलब हंटर्स की जो टोली है वो हंटिंग के लिए आ रही है, ऐसे उन्होंने सुना, उनकी आवाज़ उन लोगों ने सुनी। इमीडिएटली द रैबिट लेट डाउन हिज होल एंड वॉज गॉन। वैसा सुनते ही रैबिट ने क्या किया, जंप लगा के उनका जो होल होता है, रैबिट होल में रहता है बराबर, तो वो कुदका लगा के वहाँ घुस गया। ही कॉल्ड बैक टू द फॉक्स, और उनके पीछे जो फॉक्स है उनको आने के लिए बोला, दिस इज़ माई प्लान, वॉट आर यू गोइंग टू डू, और बोल रहा है ये मेरा प्लान है और तुम क्या कर रहे हो, ऐसे वो फॉक्स को बोल रहा है। द फॉक्स थॉट फर्स्ट ऑफ वन वे देन अनदर, देन ही थॉट ऑफ अ बेटर वे, देन ही कंसिडर्ड अनदर वे, एंड वाइल ही वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल हिज क्लेवर चॉइसिस द हंटर्स कॉट हिम अप एंड ही वॉज सून कैरिड ऑफ। रैबिट ने अपना तरीका जो उसे पसंद था, काम करता था, वो तरीका उन्होंने अपना लिया, लेकिन जो फॉक्स है वो क्या कर रहा है,
जो कोई वे के बारे में सोच रहा है, उसके बाद बोल रहा है दूसरे वे के बारे में सोच रहा है, उसके बाद बोल रहा है अच्छा सा अच्छा वे कौन सा भाग निकल गया है वो सोच रहा है, फिर वो कोई दूसरा डिसाइड कर लेता है, ऐसे करके वो ऐसे थिंक करता है और चॉइस करता है, उनके जो बेटर वे से उनमें चॉइस करता है, वो लोग हंटर्स वहाँ आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं और उनको ले जाते हैं। तो ये थी स्टोरी द फॉक्स एंड द रैबिट। आई होप आपको ये पसंद हो आई होगी। तो एक्टिविटी 9 में देखते हैं क्या लिखा है। वन वे दैट वी नो दैट द फॉक्स एंड द रैबिट आर सिंबल्स इज बिकॉज दे डू नॉट प्रेजेंट रियल फॉक्स और रैबिट्स। यहाँ लिखा है कि जो फॉक्स एंड द रैबिट है वो एक सिंबल्स है। हमने सिंबल्स के बारे में बात की थी। कोई भी एक सिंबल होता है, जैसे हमारे ट्रैफिक रूल्स के सिंबल्स होते हैं, खाली सिंबल्स वहाँ लगे होते हैं, कुछ लिखा नहीं होता, फिर भी सिंबल्स हमें कुछ बता देता है, बराबर। तो सिंबल्स में इतना सारा होता है, तो वैसे यहाँ भी एक ये फॉक्स एंड रैबिट क्या है, सिंबल्स हैं। वो रियल लाइफ को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन उनको कैरेक्टराइज किया गया है। व्हेन समथिंग इज नॉट सिंबॉलिक, व्हेन इट ओनली रिप्रेजेंट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज इन रियल लाइफ एंड नथिंग एल्स, वी से इट हैज इट्स लिटरल मीनिंग। लिटरल, लिटरेरी एंड लिटरेचर आर ऑल रिलेटेड टू वर्ड फॉर लेटर्स फॉर वर्ड्स। तो यहाँ वही लिखा है कि जो लिटरल मीनिंग्स हैं, लिटरल, लिटरेरी, लिटरेचर, ये सब रिलेटेड है लेटर्स के साथ और वर्ड्स के साथ। तो उनका लिटरल मीनिंग क्या है, वो एग्जैक्टली रियल लाइफ को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, सिंबल से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ योर फ्रेंड सेज आई एम डेड टायर्ड, यू नो दैट योर फ्रेंड इज़ नॉट लिटरली डेड बिकॉज ही इज़ अलाइव एंड टॉकिंग टू यू। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या दिया है कि कोई आपका फ्रेंड है जो बोल रहा है कि आई एम डेड टायर्ड, वो थक गया है, वो बहुत थक गया है, ऐसा उनका मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ डेड वर्ड का यूज़ किया है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मर गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे साथ बातें कर रहा है और हमारे सामने है, तो वो कैसे मर सकता है। तो ये एक वर्ड का खेल है। ही इज़ एग्जैगरेटिंग, ही इज़ नॉट यूजिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड डेड। तो डेड का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, वो मरा नहीं है, लेकिन ऐसा वर्ड यूज़ किया है उन्होंने। तो यहाँ क्या लिखा है सेकंड लाइन में, रियल फॉक्स एंड रैबिट्स डू नॉट हैव कन्वर्सेशन अबाउट क्लेवरनेस, एट लीस्ट दे डोंट हैव सच कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। रियल फॉक्स जो होते हैं और रैबिट होते हैं, वो कभी बातें नहीं करते, उनके बीच में कन्वर्सेशन नहीं होता, और इंग्लिश में तो होता ही नहीं, ऐसा लिखा है। लेकिन यहाँ क्या किया है, उनको सिंबलाइज किया है, कैरेक्टराइज किया है और स्टोरी बनाई गई है। तो ये लेसन इतना ही है, बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको करनी है। मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, आई होप इतना आपको हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, और मेरा वीडियो जो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल है सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।